अगर पढ़ाई कर रहे हैं या फिर उस पर कर रहे हैं तो हम बाकी चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा दूर हो जाते हैं, जैसे जो दूसरी हमारी हॉबीज होती है। हाउ टू चूज आवर मेंटर और हमारा एडवाइजर। कोई स्टूडेंट बाहर जाता है तो वो अपने आप को वहाँ पर कैसे एडजस्ट करें? बच्चे के भविष्य की जब बात करते हैं तो हमारे सामने क्लास 11th और क्लास 12th बहुत इंपॉर्टेंट फाउंडेशन होता है। एक बच्चे के भविष्य में सब्जेक्ट चूज करना उसके जीवन को बनाने के बराबर है। मंजिल मिलेगी या नहीं मिलेगी या किन रास्तों से मिलेगी, किस रास्ते पर चलकर ज़िंदगी जी पाएंगे, बहुत सारे सवालों के जवाब हर बच्चे के दिमाग में चलते रहते हैं। पढ़ते खूब लेते हैं लेकिन लास्ट में जब आपको पता चलता है तो इतना आउटपुट नहीं निकल पाता, तो उसके लिए स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, किस हिसाब से हमको पढ़ना चाहिए? पर सिर्फ कुछ स्टूडेंट होते हैं जिन्हें अपना करियर किसी और डिफरेंट फील्ड में बनाना होता है, बट देयर पेरेंट्स डोंट अलाउ। सर, 12th के बाद बच्चे के पास हज़ार ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं कि वो किस फील्ड में अपना करियर बनाए, तो सर इस सिचुएशन से वो कैसे डील करेंगे? किसी भी बच्चे से जब बात करो तो उसके सामने कभी ना कभी एक टॉपर का मुखड़ा हमारे सामने नजर आ जाता है, तो क्यों ना उन टॉपर से ही बात कर ली जाए। बात करेंगे उन समस्याओं की, उन उलझनों की, कि उनको कैसे सुलझा कर हम सफलता की तरफ दौड़ चलें। आने वाले जो सब्जेक्ट चूज करेंगे या जो डिग्रियां चूज करेंगे उन डिग्रियों में हमें क्या मिलने वाला है, क्या नहीं मिलने वाला, या कहीं थक तो नहीं जाएंगे सफलता को पाने से पहले, या पाने के लिए कितना तेज़ दौड़ना है, ये सब कन्वर्सेशन होगा, ज़रूर होगा। उन सब अनछुए पहलुओं को छुएंगे जो जिनको आज तक कोई बच्चा से छू नहीं पाया। करेंगे बात मेरे साथ ही, मैं लक्ष्मीकांत वर्मा, KV देवली, PG Tech Madras।